बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादो के किचन से दादो की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ शोरबे वाली देसी मुर्गी। ये मैंने गरम ऑयल के अंदर प्याज डाल दिए हैं, अब ये ज़रा ब्राउन हो जाए तो इसमें बाकी चीज़ें मैं शामिल करती हूँ। ये देखें जी, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका। अब इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है। इसको ज़रा सा हम भून लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये गोश्त मुर्गी का, और साथ ही जाएंगे 2 चम्मच दही, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और इसमें अब जाएंगे कटे हुए टमाटर। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए भून के फिर इसको गलने के लिए रख दूँगी पानी डाल के। अब इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी डाल के तो इसका ऊपर ढक्कन दे देती हूँ, और ये कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। ये देसी मुर्गी जो है ये गलने में ज़रा टाइम लेती है। ये देखें जी, देसी मुर्गी का गोश्त गल चुका और भून चुका, ऑयल ऊपर आ गया। ऐसे मौके के ऊपर मैं इसके ऊपर डालती हूँ गरम मसाला। ये आधा टेबल स्पून इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दूँगी, और इस गरम मसाले के अंदर सूखा धनिया भी मैंने पिसा हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 ग्लास पानी, और जैसे इसका शोरबा तैयार हो जाता है मैं इसको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये सिर्फ मैं 5 से 6 मिनट इसको पकाऊंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह देसी मुर्गी शोरबे वाली तैयार है, और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दादो के किचन से दादो की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।